नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अप्रैल शुक्रवार को राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में तैयारी कर रहे प्रदेश के हजारों छात्रों को गृह जिले में पहुंचाने का निर्णय करते हुए हजारों माता पिताओं को राहत दी है। बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर के छात्रों को शाम 6 बजे रवाना किया जाएगा। जोधपुर, चूरू, सिरोही, झुंझुनू व जलोर शाम 7 बजे। बांसवाड़ा, धौलपुर, पाली, नागौर, डूंगरपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर रात 8 बजे। करौली, राजसमंद, जयपुर, दौसा, प्रतापगढ़, उदयपुर रात 9 बजे और टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व अजमेर के विद्यार्थियों को रात 10 बजे रवाना किया जाएगा। राजस्थान के 7 जिला कलेक्टरों ने कोरोना के तोड़ को बखूबी समझ लिया है। उन्हें शहरों की करीब 90% आबादी को क्वारंटाइन कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना बेकाबू नहीं हो सका। ये 7 शहर डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, नागौर, पाली और सवाईमाधोपुर हैं। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और करौली तो कोरोना मुक्त हो चुके हैं और अब यहाँ एक भी रोगी नहीं है। CBSE, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित राजस्थान लोक सेवा आयोग को परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त केंद्र बनाने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर संस्थानों ने केंद्रों का चिन्हीकरण शुरू कर दिया है। संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग के इस फॉर्मूले की अनुपालना करानी जरूरी होगी। CBSE, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मदरस विश्वविद्यालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अतिरिक्त केंद्रों की तलाश शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी में नहर रोड इलाके के वार्ड नंबर 26 में हाउस सर्वे के दौरान ANM, आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों से अभद्रता का मामला सामने आया है। कोरोना सर्वे के लिए यहां पहुंची टीम को स्थानीय लोगों ने जानकारी देने से मना तो किया, साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भी दी। स्वास्थ्य कर्मियों ने लिखित शिकायत मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी बत्तीलाल मीणा को की है। पुलिस उपाधीक्षक मामले की जाँच कर रहे हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को बारिश हुई। बेमौसम बारिश से खेत से लेकर मंडी तक की फसल भीग गई। मौसम विभाग ने फिर से कई जगह वज्रपात, बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को बारिश हुई। जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, अजमेर, सीकर, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि 27 अप्रैल तक श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, सिरोही, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, कोटा, टोंक में बारिश का दौर। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के हार्डकोर अपराधी बजरंग लाल जाट को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके 2 साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार, कारतूस, शराब व एक कैंपर गाड़ी को जब्त किया है। ASP देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि नेचो SHO राम अवतार ने पुलिस जाब्ते के साथ नाकाबंदी की थी। सालासर की ओर से आ रही एक कैंपर गाड़ी को SHO ने रुकवाया तो उसमें बादूसर निवासी बजरंग लाल, बीकानेर के रातड़िया निवासी प्रकाश डान, बादूसर निवासी मुकेश कुमार सवार थे। गाड़ी के अंदर एक हथकर शराब से भरा कैन रखा था। बजरंग लाल के पास एक लोडेड पिस्टल, प्रकाश डान के पास लोडेड देशी कट्टा व मुकेश के पास नुकीली कीलों वाले 2 लोहे के मोटे पाइप मिले। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.